बहुत ध्यान होने लगे। अकामानंद जी की सोचे उनका साथ मिलने के लिए काम कर लिए सारा प्रश्न लिए उन्हें आते थे काम के बारे में बात करने के लिए मैं आते थे तब हमारा साथ परिचय हुआ दादा। फिर उसका बाद संक्षेप में उन्होंने कानपुर में हेड हुआ कानपुर आश्रम में वह भी बहुत साल था। कानपुर का बाद उन्होंने एक्टिव लाइफ से अवसर ले लिया रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने कहते थे मेरे को कनखल जाके रहने इच्छा है तो रिटायर होने के बाद उन्होंने ये कनखल सेवाश्रम में चले आए। ये भी 30-32 साल हो गया आने की पहले मैंने को पूछा था मैं वहां जाके रहना चाहता था ये बहुत अच्छा है। ये तो है संक्षेप में उनका जो रामकृष्ण मिशन में योगदान से लेकर आज तक जो उनका ये थोड़ी संक्षेप में बदला लिया और ये है उनका इसलिए बताने का तो अभी समय नहीं है क्योंकि यही है। श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सत्सनोभिः व्यचेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेधा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। आज इस श्रद्धांजलि समारोह का अध्यक्षता करेंगे यहाँ वरिष्ठ स्वामी तन्मयानंद जी महाराज जो यहाँ हमारे पास बैठे हैं आज इसका अध्यक्षता उन्होंने करेंगे और भी बहुत सारे जिन्होंने वो स्वामी जी को जानते थे जिनका साथ उनका परिचय था वो भी कुछ कुछ बताएंगे। सबसे पहले इस शुरू होने के पहले मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एक मैसेज भेजा है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इंग्लिश में भेजा है उन्होंने तो जरा ओम विश्वानि देव शमितं ओ शांति शांति शांति
परम पूज्य आज की सभा के अध्यक्ष जी महाराज एवं इस कार्यक्रम की संस्था संचालक परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री के श्रद्धानंद जी महाराज एवं संत समाज धर्म के सज्जन माताओं को नमन। ब्रह्मदेव स्वामी अकामानंद जी से मेरे का संपर्क आज से मेरा ख्याल है 25 साल से रहा है और जब भी मैं मिलते तो मुझे विषय के विषय में चर्चा करते और एक बात और बता दें कि मुझे रामकृष्ण मिशन के प्रति जो रुचि पैदा की है वो उन्हीं का प्रभाव है। जैसे कि अभी आपने सुना पूरे 104 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए पांच दर्जन ज्यादा, तो ये उनके चारित्रिक बल का प्रतीक है कि वो कितने संयमी थे, क्योंकि बिना संयम के लंबी आयु नहीं हो सकती। और दूसरा मनोबल बहुत ऊंचा होना चाहिए, अन्यथा अगर व्यक्ति संयम भी रखे और मनोबल ना हो तो ताकतवर होने पर भी वो निराशा रहेगा। वशिष्ठ जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, ऐसे देखो दो किस्म के रोग होते हैं, याद से हजारों वर्ष पहले ये बात उन्होंने कहा। एक तो शारीरिक रोग होता है जिससे आप परिचित हैं और एक मानसिक रोग होता है। मानसिक रोग के विषय में मनुष्य जानता नहीं है, उसके प्रति इसका कभी ध्यान नहीं जाता कि ये मेरे को रोग है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी अगर उसके मन में अभाव का चिंतन चलता है तो समझ लो रोगी आदमी है। जैसे शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो तो स्वस्थ शरीर की पहचान मैं जो समझता हूँ कि शरीर की स्मृति नहीं आनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के सिर में दर्द है तो मन बार बार सिर की तरफ जाएगा, हाथ सिर की तरफ जाएगा, यानी जहाँ पीड़ा है वहीं पर मन पहुंच जाएगा। तो स्वस्थ शरीर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो अपने शरीर का कोई चिंतन नहीं करता। ऐसे ही स्वस्थ मन की पहचान यह है कि वो व्यर्थ के भोगों की चिंता नहीं करता। जब है तो यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ कि मन के रोग का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति का प्रिय आदमी बहुत बीमार हो जाए और वो दूसरे विदेश में रहता है, अपने समीप में नहीं है, अब उसके मन में चिंता पैदा हुई और चिंता इतनी बढ़ती रहती है कि उसका चलना उठना बैठना ढीला हो जाता। अतिथिगण, स्वामी जी और सेवक स्वामी रामकृष्ण मिशन, सभी को मेरा चादर चरण स्पर्श और नमन। स्वामी अकामानंद जी महाराज वर्तमूर्त ज्ञान और बुद्धि के प्रेरणा स्रोत और कथा सागर थे। ही वॉज एब्सोल्यूटली सिंपल इन हिज लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स। He had a very strong personality in terms of strict discipline and truthfulness. He was not hesitate to speak truth at any time and in front of anyone. He had always lived and lived as Karam Yogi. He practiced Gyan Yoga with Karam Yoga. With these principles he has achieved converting an Adivasi village to a self-reliance and self
quoted village named Sakwa near Mumbai. During another earthquake, he has rehabilitated the affected persons and established Ramakrishna Nagar. During his term at Kanpur, he has made the Ramakrishna School one of the best schools in UP, keeping the ethics of education intact. The school was awarded the Best School Award by the UP government. As an extremely sharp and analytical mind personality, he has represented many times Ramakrishna Mission centers to the court of law and converted the case in the organization's favor. But the court has never could not enter to his life. He never believed in Andhishraddha. He had a deep liberal thinking and spiritual outlook. He had a vision for future and worked in the present. In spite of his age, he was always in favor of contemporary changes, adopting technology and its applications. He had always encouraged youth for the struggle in life to achieve something different and unique. He had a friendly relationship with all. He has never differentiated anyone on the basis of man's creative caste, creed, community, language and gender. He was fatherly and grandfatherly figure to all. The interest in Jnana was clearly visible in him throughout his life in his deep study of various Upanishads and Shastras. He had always disseminated his knowledge of Jnana by means of various activities to the bhaks and general mass. Till his last week, he was discussing, listening and carrying out in-depth study of various scriptures with his disciples. He was extremely consecrated not to travel anywhere during his last days to avoid any uncomfortable to anyone, admitted himself to the hospital so that everything is taken care in normal routine way by the hospital work duties. He has truly lived and set up the ideal of Sri Ramakrishna Seva Ashram, Jagat Hitaya, Amartya Mokshaya. अपनी मुक्ति और जगत के लिए उन्होंने अपना पूर्ण जीवन अर्पण किया. That was no fear to him. He became one with the universe and visited in happiness. In fact, he decided to leave his body by his own choice, like our Bhishma Pitamaha. His soul became one with the universe. He had always followed the Thakur saying, Shiv Bhava Jeev Deva. In fact, when I joined, by the grace of God and Swamiji's, the member of the Ramakrishna board, and when I came to take his breath, he says, Gopal, keep in mind that this hospital